बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हम एक मिनट, एक ना मुस्लिम आए, जरा उनसे भी ले लेते। एक्यू जी, जी एक्यू जी, हेलो हेलो, हाय जी, हाय जी, जी बोलिए, आज के टॉपिक में क्या कहना है आपको? एक्चुअली मैं सुन रहा था अभी, मतलब 5-10 मिनट पहले कोई बोले थे, मतलब शादी को लेकर के कि ये 4 शादियां नहीं करनी चाहिए, ये सब लेकर के। हेलो जी, जी आप बोलिए। तो उसी टॉपिक पे बात करना है हमें। जी बोले, मैं सुन रही हूँ मैम। एक्चुअली ये है, हमें अभी मतलब कास्ट को लेकर के नहीं चलना है, ठीक है ना? जो 4 शादियां या 10 शादियां या करें या ना करें, लेकिन एक ही शादी करें और उनकी अपने बच्चे का परवरिश जो है, अच्छे शिक्षा जो है, अच्छे घर अपना चलाना चाहिए। नहीं, आज हमारे शादी मुद्दा नहीं है। हमने दो दो स्ट्रीम की है, आज समीर ने बताया, आप उस पर बताए, आपकी क्या राय है इसमें? कौन से क्या क्वेश्चन है सर? आपने देखी नहीं स्ट्रीम आज की? अच्छा, मैं एक और पॉइंट स्ट्रीम मतलब शुरुआत से नहीं देखा और हमें इंग्लिश ज्यादा आता नहीं है समझ में। चलिए ठीक है, आप बता दीजिए, इस्लाम में औरत के हुकूक बता दीजिए क्या क्या है। क्या औरत के हुकूक बता दीजिए इस्लाम में? इस्लाम में औरत का हक बता दीजिए। इस्लाम में तो मतलब बहुत सारा हक है औरतों का, तो 5 बता दीजिए क्या क्या है, दोनों को मर्दों के बराबर करते हो। मान लीजिए सोचना पड़ रहा है उन्हें कि क्या क्या पता है। सोचना पड़ रहा है, तो भाई जब होगा तभी तो बताएंगे ना। अभी समीर इतनी इतनी बातें कह के, यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें कह, मैं तो यहाँ दोहरा भी नहीं सकता बाइस्ती जेवर का। अब उसको पढ़ा होगा बाइस्ती जेवर? मैंने नहीं पढ़ा है सर, एक्चुअली मैंने बस छोटे से मैं मदरसे में पढ़ा था 3 क्लास तक, उसके बाद से मैंने बस ये हमने हिंदी ज्वाइन कर लिया और उसी से पढ़ाई किया अपना इंटर फाइनल तक। अच्छा, आपके मौलाना ने तो बताया होगा ना कि ना वो जो औरतों से उनका दिमाग आधा होता है मर्दों से? हाँ ये तो बताता है। लो क्या आपकी मदर का दिमाग है आपके पिता से या किसी और आदमी से? वो कहने के लिए, लेकिन आजकल लेडीज सबसे ज्यादा आगे हैं, झगड़ा फसाद, मतलब घर को भी अच्छे से लेकर के चलना, कब कौन से रूप में रहना है उनको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मालिक को क्या, उनको कमा करके बस घर पे दे देना है, उनका तो दिमाग तो कमजोर है नहीं। फिर तो इस्लाम की बात झूठी साबित हुई ना? इस्लाम झूठी साबित हो गई? वही तो, जब इस्लाम ने ये बता दिया कि अल्लाह ने बताया कि औरतों का दिमाग आधा दिया है, लेकिन वैसा है नहीं, आप खुद ही उस बात को ठुकरा रहे, तो आपने साबित कर दिया कि आप उस बात को झूठी मानते इस्लाम की इन दो दो बातों को। हाँ
तो फिर तो मतलब अगर हम जी 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 कही जी जी आप कही नहीं पहले आप बोलिए ना क्या बोल रहे थे। नहीं, मैं तो ये चीज बोल रहा हूँ फिर तो आपने इस्लाम को नकार दिया ना। हाँ इस्लाम को नकार दिया। आप एक्स मुस्लिम है? नहीं मैं मुस्लिम में ही हूँ ठीक है ना, लेकिन मैं 50% मुस्लिम में आता हूँ 50% काफिर में आता हूँ। जैसे मैं हदीस और कुरान की मतलब एक मेरे दोस्त हैं ठीक है ना, हमको मतलब वो बोले आप लोगों की बात और समीर जी की बात साहिल जी की बात को मैं हमेशा सुनते रहता हूँ ठीक है ना, मतलब आज फर्स्ट बार आप लोगों का सुना। तो उसमें बहुत सारा हदीस है जहाँ पे जिसका आंसर मुझे मिलता नहीं है। अगर कोई अगर कुछ भी होता है तो उसका रीजन होना हो मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर अगर सीध करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर होता है, सीध होने से तो आता है ना। तो मतलब अगर कुछ ऐसा को उस हदीस में है जिसका आंसर नहीं मिलता हो तो वहां पे तो कंफ्यूजन तो होगा ही। या तो अगर मतलब वहां से हमको जी तो फिर आप पूरा इस्लाम क्यों नहीं छोड़ देते? आप खुद ही सोचिए ना, जब देखिए आपके एक भी सवाल का जवाब दे मिलेगा नहीं, ना ही आपको मौलवी देगा, वो सीधा बोलेगा इस्लाम पे सवाल नहीं खड़ा करते, इतना बोल देगा बस। नहीं अगर ये लोग वही मौलवी लोग बताए हैं ना इस चीज को कि ये पहले उस चीज को जानो समझो उसके बारे में क्वेश्चन करो सब कुछ तो वही बताए। तो अगर मेरे क्वेश्चन का जवाब एक्चुअली मैं दूसरे जगह हूँ गांव हूँ नहीं, सबसे पहले ये 3-4 क्वेश्चन मैंने अपने डायरी में नोट कर रखा है जिसका आंसर मुझे उन लोगों से चाहिए। हाँ तो एक चीज बताइए कि आपको आंसर चाहिए क्या, आपको क्या लगता है आपको वो आंसर मिलेगा क्या? वो अगर आंसर देते हैं अगर वहां पे हमको लगेगा कि सर्टिफाइड हूँ ठीक है तो साहिल जी के मैं स्ट्रीम पे ज्वाइन करके मैं उनको प्रूफ दूंगा तो बोलेंगे कि नहीं ये रॉन्ग है या राइट है, तो उनसे बोलूंगा आप राइट पर्सन है या रॉन्ग पर्सन। मैं ऐसे कैसे डिसाइड कर सकता हूँ अभी कि जी मतलब ये रॉन्ग है या वो रॉन्ग है क्या? नहीं अभी तक आपने जो जो सवाल पूछा क्या उसका जवाब मिल गया आपको? जो जो आपने सवाल लिखा मतलब आपने नहीं मैं इसको भी ऐड करने वाला हूँ, ये जो आप क्वेश्चन किए कि 5 मतलब ये बता दीजिए हुकूक के मतलब औरतों का हक के बारे में, मैंने आपको जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे उतना जानकारी नहीं है। मैं 5 रोज से मतलब कुरान का मतलब ये पढ़ना शुरू किया हूँ हिंदी में। हाँ मेरे ख्याल से ना अब अरबी से भी अरबी भी सीख लीजिए और अरबी से भी पढ़ना स्टार्ट कर दी क्योंकि सीधा मौलवी बोलेगा ट्रांसलेट गलत है। थोड़ा सा संस्कृत पढ़ सकता हूँ लेकिन हमको शायद अरबी आएगा ही नहीं। नहीं अरबी में कोई ऐसा वो नहीं है, आपको सिखाने वाले सिखा देंगे लेकिन बात ये है ना कि सीधा मौलवी बोलेगा ट्रांसलेट ये गलत है, तो हो सके तो अरबी भी थोड़ा सीख लीजिए। और अच्छा है देखिए हम ये नहीं कह रहे कि ना आप ना सिर्फ हमारी बात सुन के या फिर समीर की बात सुन के साहिल सच वाले जी की बात सुन के इस्लाम छोड़ दे। आप उनको देखे आप उनको चेक करें आप उसके सवाल पूछे अपने मौलवी मुफ्ती इमाम जो भी है उसे पूछे, जब आपको सवाल का जवाब ना मिले तब आप छोड़े। हाँ वही ना, अंधविश्वास किसी पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका रीजन सबसे बड़ी चीज है ना ये लोग गलत गलत मैसेज देना और जो माइंड वॉश है ना, जो अगर इंसान डेवलप भी करने वाला हो वो बैक में चला जाएगा। पता नहीं वो खुदा का खौफ बैठाते हैं दिल के अंदर या अपना खौफ बैठाते हैं, समझ में नहीं आता है। इंसान अगर अपना करना भी चाहता है करना चाहता है कर भी नहीं। देखिए वही तो खुदा कभी भी ऐसा नहीं होगा। देखिए हम नहीं मानते कोई भी जो एक्स मुस्लिम होगा उसमें ज्यादातर बोलेंगे खुदा है, ऐसा नहीं कि खुदा नहीं होगा, लेकिन वो अल्लाह नहीं होगा। खुदा कभी वो नहीं होगा जो काफिर और ईमान वाले पे फर्क बांटेगा। खुदा कभी वो नहीं होगा जो कि औरतों के हुकूम से ऐसे एकदम दरगनार कर दे। ये औरत जिससे बस आगे बढ़ता है,
उसको हमेशा ये कर दर्दना है, ऐसा नहीं होगा। अब खुद ही खुद भेदभाव नहीं सकता। औरत को तो मतलब शायद मना तो हर चीज में है नहीं, लेकिन बस एक ही चीज मना है, उसको पर्दे में रहना है। मैंने जहां तक इस चीज को पढ़ा है तो ऐसी चीज बनाई क्यों, ऐसी फितना चीज बनाई ही क्यों जिससे बस सारी जिंदगी जो है लोगों को डर के रहना है, कवर करके रहना है, ऐसी चीज ने दी क्यों फिर? नहीं ऐसी चीज दी क्यों, अल्लाह मियां की तुक समझ में नहीं आती है ना कि एक तो पहले बना दिया ऐसा, फिर कह दिया कि भाई तुम फितना भी हो, तुम लोग सबसे ज्यादा जहन्नुम में भी होगी, तो तुम लोग ये हो तो तुम लोग वो हो, और तुमको सारी जिंदगी पता नहीं। अल्लाह मियां को मुझे समझ में नहीं आया कि ये बालों से इतनी तकलीफ क्यों होती, हमारे जिस्म से इतनी तकलीफ थी तो हमको एक किसी और तरह से बना देना था ना कि हम सेक्सुअली इतने अट्रैक्टिव नहीं होते। एक तो सेक्सुअली अट्रैक्टिव चीज बना दिया फिर कहते हो उससे परहेज करो, ये तो बात होगी चीज के गुनाह के सामने रख दो और कहो इसको खाना नहीं है। तो थोड़ा सा मैं मौलवी लोगों को लेकर के आपको जवाब दे रहा हूँ मैम, पता नहीं आप नाराज होंगी या पता नहीं, ठीक है। मैं उन लोगों के मैं उन लोगों के जैसा जवाब दे रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। बोलते हैं ना कि जैसे हमको मैट्रिक का एग्जाम देना है तो उससे पहले तो हमें तैयारी करनी होगी, और ऊपर वाले ने शैतान भी बना रखा है ना जो इंसानों को भटकाए। ये हदीस और कुरान की शायद लिखा हुआ है ना। हाँ, मगर फिर अल्लाह ये भी कहता है कि भाई मैं अगर चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुन फाया कुन करके, तो हमारे फिर हमारे वो कर लो, हमारे सही कर लो, हमें भटके हुए लोगों को सही रस्ते पे क्यों नहीं ला रहे फिर, अगर सब कुछ कर सकते तो। हाँ लेकिन खुदा ने तो कभी तो धरती पे आया नहीं ना, धरती पे तो केवल फरिश्ते आते हैं ना, क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं वो फरिश्ते उसको लिख करके या जो भी हो करके जाते हैं ना। एक बार बताइए फरिश्ते किसे लालच भेजने ही आते हैं? क्या रोने में कहते हैं लालच भेजने ही आते क्या फरिश्ते? अगर कोई औरत सेक्स के लिए मना कर दे सारी रात उसको फरिश्ते लालच भेजेंगे इसके लिए आते हैं? लानत। हाँ वही थी लानत के लिए, एक चीज के लिए आते हैं जमीन में और तो लानत भेज के। फरिश्तों की जॉब ही यही है, जॉब रिक्वायरमेंट यही थी उनके लिए जब हायर कर रहे थे ना अल्लाह मियां। हाँ सही से लानत दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? जी हम लानत देने में 100% हम अच्छे होंगे, प्लीज हमको हायर कर लो। आपकी बात समझ में नहीं आई मैडम। हाँ बड़ी ऊपर वाली बात की ना मैंने इस वजह से। चलो नगिन बंद करो आप, मुझे भी जाने दो, घंटे होने वाले। जी आईक्यू जी आप अगली बार आइएगा और इस्लाम जल्दी जल्दी हो सके तो छोड़िएगा, पढ़ के छोड़िएगा। सर आप बोल रहे हैं इस्लाम छोड़ने के लिए, तो मैं फिर इस्लाम छोड़ करके मैं किस चीज को मतलब अपना लूं? किसी को अपनाने की जरूरत नहीं, इंसानियत को इंसान समझें कि उसको भी वही हुकूक मिलने चाहिए जो आप अपने लिए पसंद करेंगे, बस इतना सा काम। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि अल्लाह मियां कोई चीज बताएगा, वो तो बताता नहीं है। अल्लाह मियां कहते हैं नफरत करो, ऐसा नहीं है, मुझसे जो प्यार किया था उससे नफरत करो, उसको मारो, ये कहाँ का खुदा हुआ? अभी अभी कुछ अपनाने की जरूरत नहीं है, पहले आप सबको एक बार देखे तब जाके अपने। आप हेलो जी 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 आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करें क्योंकि थोड़ा एक सेकंड एक लाइन की मेरी बात है। आपके अगर दो बच्चे हैं, हेलो जी जी आप बोले 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 आपके आपके अगर दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत मानता हो जानता हो सम्मान करता हो इज्जत करता हो सब कुछ के तरह ख्याल भी रखता हो, और दूसरा बच्चा आपका कोई वैल्यू नहीं करता हो, आप उसके साथ क्या करेंगी? तो गला नहीं काटूंगी। गाला नहीं काटिएगा, बच्चे हो आप ही के हैं, नहीं काटिएगा, लेकिन उसके साथ आप कौन सा व्यवहार अपनाएंगी? भाई मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगी, नहीं सही होगा तो मैं कहूंगी भाई तुम्हारी लाइफ है तुम उसको जैसे जियो,
तुम्हें नहीं मुझसे सही करना, नहीं करूँ मैं उसके पीछे लाठी लेके नहीं घूमूंगी, तुम्हें मारूंगी, तुझे जान से मार दूंगी। लेकिन बहुत ऐसे जगह होता है जो अपने छोटे से बच्चे को, हमने माँ को देखा है छोटे से बच्चे को उठा करके ऊपर से फेंक देती है नीचे, जो लड़का थोड़ा रोता है परेशान करता है तो साइको होते हैं, गुस्से को कंट्रोल या तो डिप्रेशन होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है मेंटली, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे नहीं फेंकेगी। नहीं फिर बाद में वो अपने बच्चे को दूध भी पिलाई, उसका वीडियो भी है मेरे पास। नहीं अगर छत से फेंक दे तो वो तो मर ही जाएगा ना, दूध कैसे पिएगा। नहीं वो फिर पिलाई, उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। ये तो फेक हो सकती है वीडियो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई कोई फेक दे फेक बच्चा। रियल वीडियो है, रिकॉर्डिंग वीडियो है, पता नहीं अब। खैर अभी उसके बारे में बाद में देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। मोन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।